हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑर्गेनिक ग्रीन वाटिका में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम डेफिनबेकिया प्लांट को कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये डेफिनबेकिया का प्लांट है मेरा, और इसको कैसे लगाना है आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये देखिए, डेफिनबेकिया को फरवरी से अगस्त तक के मौसम में हम लगा सकते हैं, तो इस मौसम में ये बड़े अच्छे से लग भी जाएगा और ग्रो भी आसानी से करेगा, क्योंकि सर्दियों में जो इस प्लांट का जो पत्ते होते हैं वो ग्रो नहीं करते, बल्कि जो लगे हुए होते हैं वो भी जो हैं गलने लग जाते हैं। तो नए अगर हम लगाएंगे तो वो हमारे नहीं लग पाएंगे ठीक से। इसलिए ये जो स्प्रिंग सीजन होता है इसमें हम इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं और अच्छे से ये लग भी जाएगा, और इसमें जो है बहुत अच्छे से पत्ते भी आ जाएंगे और जड़ भी इसकी जो है अच्छे से डेवलप हो जाती है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये एक वैसे ऑर्नामेंटल प्लांट है, खूबसूरत पत्ते होते हैं इसके, और इसको डेकोरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इनडोर भी रख सकते हैं इसको। ये एक शेड लविंग प्लांट होता है, इसलिए इसको आप ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते हम, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके पत्ते जो हैं वो जलने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो भी अगर ओपन में रखते हैं तो इसके पत्ते जो हैं वो गलने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको जो है बहुत तेज़ धूप से और बहुत तेज़ सर्दी से जो है हमें बचाना होता है इस प्लांट को, और इसका प्रोपेगेशन जो होता है वो कटिंग से हम कर सकते हैं। इसका प्रोपेगेशन हम कटिंग से बहुत इजीली कर सकते हैं। ये एक मेरा दूसरे गमले में भी लगा हुआ था जो काफ़ी लैगी हो गया था, तो मैंने इसकी डंडियों को जो है, इसकी टहनियों को जो है काट लिया है। अब ये क्या करेंगे हम कि ये जो इसकी टहनी है इसको हम एज़ इट इज़ जो है ऐसे ही, ये काफ़ी लंबी हो गई थी, लैगी हो गई थी, इसको मैंने काट लिया, इसको एज़ इट इज़ जो है इसमें हम लगा देंगे, और आसपास में मिट्टी भर दूंगी इसके, इसको मैं अच्छे से दबा दूंगी। और एक तरीका ये है कि इसकी जो टहनियाँ थी बहुत लंबी लंबी हो गई थी, तो मैंने उनको इस साइज़ का काट लिया है। ये देखिए, ये इसकी आइज़ भी यहाँ से दिख रही हैं। और अगर मैं इसको दूसरे गमले में यहाँ ऐसे ऐसे करके इसको मिट्टी में दबा दूंगी और ऊपर से मिट्टी इसमें डाल दूंगी, ये देखिए, बस ये जो ऊपर का हिस्सा इसके जहाँ आइस जहाँ से ये निकल रहा है वहाँ इसको मैं खुला रख देती हूँ, और बाकी जो हिस्सा है वो मिट्टी में दबा देती हूँ। तो कुछ दिनों में ये जो है इसकी जड़ जो है इसकी डेवलप हो जाएगी मिट्टी के अंदर, और ये जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से और भी जैसे ये सब हैं, इसके मैंने पीसेस काट लिए हैं, इनको अगर हम मिट्टी में जो है थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ऐसे लाइन बना के, ऐसे या ऐसे भी लंबा करके भी आप कर सकते हैं, वर्टिकली भी इसको कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली भी इसको आप जो है लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से हम लगाएंगे तो 20 से 25 दिनों में इसकी जो है जड़ डेवलप हो जाती है और ये आसपास से जो है ग्रो करने लग जाता है, और जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो आसपास से गमले में जो है इसके पब्स भी निकलते हैं काफ़ी, और ये गमले में पूरी तरह से फैल जाता है। और ये जो मैंने लगाया है लंबा, इसमें ये होगा कि 20-25 दिन में इसमें जो है थोड़े दिन के बाद ये पत्ते जो ऊपर वाले हैं ये थोड़े पीले पड़ के जो हैं इसके गिर जाएंगे पत्ते, और जब इसकी जड़ पकड़ लेगी 20-25 दिन में तो ऊपर से जो है इसकी नए पत्ते नए शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तब तक हमें इसके लिए जो है इसको एक शेडी एरिया में रखना होगा, इसे हम धूप में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना, क्योंकि धूप में रखेंगे हम तो इसके जो पत्ते हैं, क्योंकि जड़ तो अभी इसमें डेवलप नहीं हुई है, अगर ज़रा सी भी इसको धूप लगेगी सेक लगेगा तो ये प्लांट जो है ये ग्रो नहीं करेगा और ख़राब हो जाएगा। और पानी भी इस दौरान हमें इसकी मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गीला करेंगे तो इससे इसकी जड़ें जो हैं गल जाएंगी, और सिर्फ मॉइस्ट रखना है इसकी मिट्टी को ताकि सूखे भी ना और थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट रहे,
और इसके बाद जब इसकी जड़ें हमें डेवलप हो जाएंगी तब हम इसको जो ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी छन के हल्की सी धूप आती हो, इसके ऊपर हल्की सी धूप पड़े तो पड़े, नहीं तो अदरवाइज़ ये शेडी एरिया में ही बहुत अच्छे से डेवलप करता है। इसी तरह से जिसको हमने इस छोटी सी डंडियों को यहाँ पर लगाया है उसमें भी हमें पानी इतना ही देना है कि ये थोड़ा मॉइस्ट रहे, और जो है इसमें पानी ने कीचड़ बनाकर हमें पानी नहीं देना है क्योंकि अभी जड़ें इसकी नहीं हैं तो ये पानी जो है इतना नहीं खींचेगा प्लांट। और देखने में बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है और इसकी जो ग्रो करना इसको बहुत ही ईजी है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप अपने घर में इस प्लांट को, ऑर्नामेंटल प्लांट को लगाकर अपने बगीचे को बहुत ही सुंदर सा बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो